इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लेंका नाम के एक व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे विजन आने लगते हैं जिसमें उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन अजीब सी डार्क शेडो उसे चारों तरफ से पकड़ लेती है जिससे वो गुस्सा होकर हर तरफ अटैक करने लगती है। ये देखकर उसकी बड़ी बहन वाइटा उसे होश में ले आती है जो कि असल में एक ग्रीन स्नेक होती है। ब्लेंका काफी परेशान होती है क्योंकि उसे पिछले 500 साल, इसीलिए अपनी बहन को कहती है कि मुझ में कोई कमी है जिससे मुझे मेरे दिल में हमेशा खालीपन सा लगता है। वाइटा उसे परेशान अपना हेयर पिन देने लगती है तो ब्लेंका उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुमने मुझे इसे पहले कभी छूने नहीं दिया। तो वाइटा उसे कहती है क्या से हेयर पिन तुम्हारा है। तो ब्लेंका जब उस हेयर पिन को कसकर पकड़ती है तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जिससे उसे 500 साल पहले की बातें याद आने लगती है और हमें बताया जाता है कि तांग राजवंश पर राक्षसों का राज था जो दुनिया को सताया करते थे और उनके सम्राट अमर होना चाहते थे, लेकिन डार्क जनरल उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको इस पद से हटा दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अमर होकर रहेगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को सांप पकड़ने के ऑर्डर दिए क्योंकि वो ताओवादी के जादू में माहिर था, इसीलिए वो सांपों की शक्ति का इस्तेमाल करके अमर होना चाहता है और उसके सैनिकों ने उसके लिए बहुत से सांप पकड़ लिए थे और आज वो उन्हें मारकर उनकी शक्ति हासिल करना चाहता था। नागरानी को जब इस बात का पता चलता है तो ब्लेंका को एक हेयरपिन देती है ताकि उसकी शक्ति से डार्क जनरल को मार सके। ब्लेंका वहां पहुंचकर जनरल के बहुत सारे सैनिकों को मार डालती है और जनरल पर अपने हेयरपिन से अटैक करने लगती है, लेकिन जनरल उसके वार को बेअसर कर देता है क्योंकि वो काफी सारे सांपों की शक्तियां खींचने की वजह से बहुत ताकतवर हो चुका था जिससे उसका जी गया था। ब्लेंका को पकड़ने के लिए जनरल का शिष्य डोनबू उस पर अटैक कर देता है जिससे उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है, लेकिन डोनबू के पास काफी ज्यादा डार्क पावर थी इसलिए ब्लेंका उसे नहीं जीत पाती और नदी में बहकर वहाँ से दूर चली जाती है। ब्लेंका की जब आँख खुलती है तो देखती है कि वो एक गाँव में होती है जहाँ के सभी लोग स्नेक कैचर्स होते हैं जो सांपों को पकड़ कर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ब्लेंका एक जादू स्नेक है। एक ओल्ड लेडी ब्लेंका से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन ब्लेंका को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि तुम्हें जो और हम यहाँ पहाड़ों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि जंगल जंगली जानवरों और डीमन से भरे हुए हैं। तभी जॉन अपने डॉग डूडू के साथ वहाँ आ जाता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे सांपों से डर लगता था, इसीलिए वो कोई भी सांप नहीं पकड़ता, बस वो कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। तभी वो ओल्ड लेडी जॉन के पास आकर उसे कहती है कि तुम जिस लड़की को लाए थे उसे कुछ याद नहीं है। तो जॉन ब्लेंका के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम मुझे मिली थी, जिससे शायद हमें कुछ सुराग मिल सकता है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लेंका जॉन से पूछती है कि तुम सांपों को क्यों पकड़ते हो, तो जॉन उसे बताता है कि हम जनरल के लिए सांप पकड़ते हैं क्योंकि वो इसके लिए हमें पैसे देता है। तभी वहाँ जॉन का डॉग डूडू फिसल कर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। ये देखकर जॉन बहुत हैरान होता है कि वो जादू जानती है, लेकिन इससे उसका डॉग बहुत डर जाता है और वापस घर चला जाता है। लेकिन जॉन ब्लेंका को झंडे के पास बने अपने घर में लेकर जाता है जहाँ वो ब्लेंका से पूछता है कि तुम्हें जादू कैसे आता है, लेकिन ब्लेंका उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो जॉन उसे अपने घर के बारे में बताता है कि मैं यहाँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ। फिर उसे बताता है कि तुम मुझे वहाँ ऊपर चट्टान पर मिली थी। ब्लेंका जब उस चट्टान पर जाती है तो उसे विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि जनरल को मारने के लिए उसे नागरानी ने भेजा था और उसे वो जादू हेयर पिन दिया था, साथ ही उसे जनरल की भी धुंधली यादें याद आती है। तभी वो होश में आ जाती है, लेकिन जॉन उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है जिससे ब्लेंका को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी ब्लेंका देखती है कि बहुत से सांप उनका पीछा कर रहे हैं और एक सांप जॉन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ब्लेंका उस सांप को अपनी पावर से हिट कर देती है जिससे जॉन की जान बच जाती है, लेकिन वो एक चट्टान से नीचे गिरने लगता है। मगर वहाँ ब्लेंका का जादू हेयर पिन गड़ा हुआ था जिससे वो बच जाता है। छूती है तो उसे विजन आते हैं कि किस तरह हेयर पिन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो इसे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर जॉन उसे बचाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ जनरल के दो सैनिक ब्लेंका को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ब्लेंका ने ही जनरल पर हमला किया था, लेकिन तभी जॉन वहाँ आकर ब्लेंका को बचा लेता है और उसे घर ले आता है। जॉन उस हेयर पिन को बैठा हुआ देख रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ब्लेंका बेहोश हुई थी। तभी ब्लेंका वहाँ आती है और जॉन को बताती है कि हेयर पिन और मैं जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का जादू है, लेकिन मुझे नहीं पता किसका इस्तेमाल कैसे करना है। तभी वो जेड जेड लिखा हुआ है तो जॉन उसे बताता है कि प्रेशियस जेड एक तरह की वर्कशॉप है जो योंगजो के ठीक बाहर बनी हुई है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर हेयर पिन के बारे में पता लगाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि जनरल के सैनिक जॉन और ब्लेंका को ढूंढने के लिए गाँव की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जॉन ने उनके दो सैनिकों को मारा था। ये देखकर जॉन ब्लेंका को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जनरल का शिष्य अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें जॉन की छतरी दिखाकर उनसे पूछता है कि किसकी है, लेकिन गांव वाले उसे कुछ नहीं बताते हैं तो और गांव वालों से कहता है कि मुझे सच बताओ वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो गांव वाले डरकर उसे बता देते हैं कि ये छतरी जॉन की है और उसके साथ एक लड़की थी। तो डोनबो अपने सभी सैनिकों को उस लड़की को ढूंढ कर लाने को कहता है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि जॉन ब्लेंका और डूडू के साथ वहाँ से भाग गया था, इसीलिए डोनबो जॉन की एक चीज को अपने ब्लैक मैजिक से बेट बना
बुलाकर उनके पीछे भेज देता है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ गए हैं। क्योंकि ब्लैंका एक जादुई स्नेक थी, इसीलिए उसकी पावर से डार्क जनरल अमर हो सकता था। वहीं हमें नागराज स्नेक डार्क जनरल से छिपकर रहा करते थे, तभी वहाँ वो सांप आता है जिस पर ब्लैंका ने जुआन को बचाने के लिए हमला किया था। वो नागरानी को बताता है कि मुझ पर आज ब्लैंका ने हमला किया है, जिससे मुझे लगता है कि वो डार्क जनरल के साथ मिल गई है क्योंकि वो एक स्नेक कैचर के साथ थी। तभी वहाँ वर्टा आ जाती है और वो नागरानी को बताती है कि मेरी बहन हमें धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। लेकिन सभी स्नेक नागरानियों कहते हैं कि व्हाइट स्नेक की बहन है, इसीलिए ये भी उनके साथ मिली हुई है। तो नागरानी अपने खास वेपन से वर्टा पर हमला करती है और उसे कहती है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं आई तो तुम मर जाओगी और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो वर्टा ब्लैंका को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन नागरानी अपने सेनापति चांगपेन को जुआन को खत्म करने भेजती है। वही हमें जुआन और ब्लैंका को दिखाया जाता है जो योंग जाओ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जुआन गाना गाने लगता है और ब्लैंका को भी गाना सिखाता है। ब्लैंका उसे कहती है कि तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास पावर्स है और मैं डीमन भी हो सकती हूँ। तो जुआन उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अच्छी हो, और उसे डूडू का उदाहरण देकर समझाता है कि अगर डूडू कोई डीमन होता तो फिर भी मैं उसे पसंद करता। तो ब्लैंका अपनी पावर से डूडू पर मैजिक कर देती है जिससे डूडू भी इंसानों की तरह बोलने लग जाता है। तभी वहाँ नदी में लहरें तेज होने लगती है और उन पर अटैक कर देता है। वो जुआन को मारने लगता है, लेकिन तभी ब्लैंका भी स्नेक बनकर उसके टुकड़े कर देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और जुआन की जान बचा लेती है। लेकिन इससे जुआन को पता चल जाता है कि वो एक जादुई स्नेक है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता और वो देखता है कि ब्लैंका ने जो पावर्स इस्तेमाल की थी उसकी वजह से उसकी बॉडी बर्फ की तरह जमती जा रही है। इसलिए वो उसे नदी किनारे एक टेम्पल के अंदर ले जाता है और उसके पास आग जला देता है ताकि उसे गर्मी मिल सके, क्योंकि ब्लैंका की बॉडी इतनी ठंडी हो रही थी कि वो पूरे फर्श को ही जमा दे रही थी। ये देखकर जुआन उसे पूरी रात गर्मी देता है। तो डूडू से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, तो डूडू से बताता है कि तुम्हारी बॉडी बर्फ की तरह जम रही थी इसीलिए जुआन ने तुम्हें गर्म रखा। इससे ब्लैंका काफी हैरान होती है। वो बाहर बैठी हुई होती है, तभी जुआन उसके पास आता है। तो ब्लैंका उसे कहती है कि मैं एक डीमन हूँ। तो जुआन उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ब्लैंका भी इससे खुश होती है। फिर वो योंग जाओ जाने के लिए निकल जाते हैं और वो कुछ ही घंटों में योंग जाओ के पास बनी प्रेशियस जेड वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत जिसकी मालिक फॉक्स डीमन होती है जो वहाँ सभी प्रकार के जादुई हथियार बनाया करती थी। जुआन फॉक्स डीमन से उस हेयरपिन के बारे में पूछता है, तो फॉक्स डीमन उन्हें अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि हेयरपिन ब्लैंका का नहीं है बल्कि किसी और का है, और इस जादुई हेयरपिन की मदद से किसी की भी शक्तियाँ छीनी जा सकती है, और वो शक्तियाँ उस हेयरपिन के मालिक के पास चली जाती है। फिर वो उसे बताती है कि इसके मालिक ने तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था जिससे तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, और इसके इस्तेमाल की वजह से ही तुम्हारी याद पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि इसका पुराना मालिक कौन है। तो फॉक्स डीमन उन्हें उस स्नेक का सेल देती है और वो दोनों उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ा सांप आता हुआ नजर आता है जो कि असल में ग्रीन स्नेक वर्टा होती है। वो जुआन के हाथ में सांप पकड़ने वाला हथियार देखकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लैंका जुआन को बचा लेती है और वर्टा पर अटैक करती है जिससे ब्लैंका को याद आ जाता है कि उसकी बहन है, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है। ब्लैंका वर्टा को कहती है कि मेरी याददाश्त चली गई थी इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो पास ही के एक शिवालय में जाते हैं जहाँ वर्टा ब्लैंका को बताती है कि तुम्हें हेयरपिन डार्क जनरल को मारने के लिए दी है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जनरल सांपों का इस्तेमाल क्यों करता है। तो वर्टा उसे बताती है कि वो डार्क कुंग फू जानता है और वो सांपों की पावर का इस्तेमाल अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए करता है, इसीलिए वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और नागरानी ने तुम्हें उसे मारने भेजा था। फिर वो जुआन पर अटैक कर देती है क्योंकि वो स्नेक कैचर था। तो ब्लैंका उसे ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि जुआन जनरल की तरह नहीं है क्योंकि जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो उसने मेरी जान बचाई, लेकिन वर्टा उसकी बात नहीं सुनती और वो जुआन पर अटैक करने लगती है। तभी जुआन के शरीर से जोनबो का बेट बाहर निकल जाता है, लेकिन वर्टा उसे खत्म कर देती है। जुआन वर्टा को कहता है कि मैं जनरल के साथ नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि यह बेट मेरे अंदर कहां से आया, लेकिन वर्टा उसे कहती है कि मुझे जुआन पर पूरा विश्वास है। इससे गुस्सा होकर वर्टा जुआन पर अटैक करने लगती है, और इसी लड़ाई में ब्लैंका और जुआन जमीन में छिपे हुए एक मंदिर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ब्लैंका उसे बचा लेती है और जुआन वर्टा से बचने के लिए ब्लैंका को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है जो कि असल में पेगोडो टेम्पल होता है, इसीलिए वहाँ कोई भी डीमन नहीं जा सकता था, और इसी वजह से ब्लैंका पर ड्रैगन हमला कर देता है और उसे आग से खत्म करने लगता है। लेकिन जुआन उसे किसी तरह से बचा लेता है और वहाँ से बाहर ले आता है जहाँ एक ताओवादी चेमरानी याद आने लगती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, वर्टा भी बाहर ही मौजूद होती है। ब्लैंका वर्टा को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि ब्लैंका समझ गई थी कि डीमन इंसानों के साथ नहीं रह सकते चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। जुआन उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ब्लैंका उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा क्योंकि इस दुनिया के कुछ रूल है जिससे इंसान और डीमन का मिलन नहीं हो सकता। तो जुआन इसे काफी सेड हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं कर लूंगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ब्लैंका भी काफी सेड हो जाती है, इसीलिए वो वहीं जुआन के आने का इंतजार करती है। वर्टा उसे कहती है कि वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वर्टा की बॉडी से आग
निकलने लगती है क्योंकि नागरानी ने उस पर खास हथियार से वार किया था। इसलिए वो ब्लेंका को बताती है कि अगर मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर नागरानी के पास लेकर नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। वही हमें जुआन को दिखाया जाता है जो फॉक्स डीमन के पास जाता है, जहां वो खुद को डीमन में ट्रांसफॉर्म करवाने लग जाता है ताकि वो ब्लेंका के साथ रह सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डोनबो अपने सैनिकों के साथ ब्लेंका और वर्टा पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उस भेंट की वजह से उसे उनकी लोकेशन का पता चल गया था। डोनबो ब्लेंका और वर्टा कहता है कि तुम दोनों बहुत ही पावर, तुम्हारी पावर से और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें स्नेक केचर्स के गांव में बुला लिया है और मैं तुम दोनों को पकड़कर वहां ले जाऊंगा। फिर वो उन पर अटैक करने लग जाता है जिससे उन दोनों के बीच में बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इसी लड़ाई में डोनबो के चेहरे पर लगा हुआ मास्क भी खुल जाता है और उसका चेहरा भी डार्क पावर की वजह से जुड़ीदार हो गया था, जिससे वर्टा उसका मजाक उड़ाती है और गुस्सा होकर डोनबो उन पर अपनी डार्क पावर से अटैक कर देता है। वर्टा और ब्लेंका उसकी पावर से बचने लगती है लेकिन उन्हें पूरी तरह से जाल में फंसा लेता है। इससे ब्लेंका को बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता और वो अपने हेयर पिन से डोनबो की सारी पावर को अपने अंदर खींच लेती है। वहीं हमें जुआन को दिखाया जाता है जो अब डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था क्योंकि फॉक्स डीमन ने डूडो की टेल को जुआन की बॉडी के साथ जोड़कर उसे डीमन में बदल दिया था, जिससे अब जुआन में भी काफी तेज दौड़ने की पावर आ गई थी। फिर वो दोनों ब्लेंका के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस जगह के नजारे को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और उन्हें वहाँ डोनबो की बॉडी भी दिखाई देती है जिसकी पावर से वो बहुत बड़े पाइथन में बदल चुकी थी और उसने पास के गाँव योंगजाओ को भी बर्बाद कर दिया था। जुआन जब वहाँ पहुँचता है तो ब्लेंका उसे देखकर शांत हो जाती है लेकिन वो देखती है कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने चली गई है और बेकसूर लोग मुसीबत में है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वर्टा जुआन के पास आती है और उसे बताती है कि ब्लेंका बहुत बड़े अजगर में बदल चुकी है, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसने अपने सेपिंग की मदद से डोनबो की सारी पावर को अपने अंदर खींच लिया है। तभी वो देखती है कि जुआन भी एक डीमन बन चुका है, इसीलिए उसे कहती है कि ब्लेंका अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, इसीलिए क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो। तो जुआन उसे पूछता है कि ब्लेंका कहाँ जा रही है तो वर्टा उसे बताती है कि वो तुम्हारे गाँव की तरफ बढ़ रही है क्योंकि जनरल वही आने वाला है और उसे खत्म करना चाहती है और इसी लड़ाई में तुम्हारा गाँव भी बर्बाद हो जाएगा। तो जुआन अपने गाँव को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें नागरानी को दिखाया जाता है जिसे उसके सैनिक आकर बताते हैं कि जनरल सांप पकड़ने वाले गाँव की तरफ जा रहा है क्योंकि मैंने उसका बहुत बड़ा शिप देखा था। तो नागरानी को लगता है कि ब्लेंका ने उन्हें उसके बारे में बता दिया होगा, इसीलिए उनकी तरफ आ रहा है। इससे वो गुस्सा होती है और सभी को कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे और सांप पकड़ने और सभी को मार देंगे क्योंकि वो सदियों से हमें मारते आ रहे हैं, इसीलिए वो गाँव को बर्बाद करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जुआन अपने गाँव में पहुंचकर सभी को अलर्ट करने लगता है कि एक बहुत बड़ा अजगर हमारे गाँव की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए हमें गाँव खाली करना होगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी जनरल भी वहाँ अपने सैनिकों के साथ पहुँच जाता है और अपनी पावर से जुआन को पकड़ लेता है और उसकी छिपाई हुई पूंछ भी बाहर निकाल देता है, जिससे सभी गांव वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि जुआन एक डीमन है और उस पर अटैक करने लगते हैं। तो जुआन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और वो जनरल को कहता है कि तुम बुरे हो क्योंकि तुमने अपनी पावर बढ़ाने के लिए हमसे सांप पकड़वाए और तुमने ब्लेंका को एक बहुत बड़े अजगर में बदल दिया। तभी ब्लेंका भी उस तरफ आने लगती है। ये देखकर जुआन सभी को कहता है कि मैं ब्लेंका को रोक सकता हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। तो जनरल भी उसे आजाद कर देता है और जुआन ब्लेंका को रोकने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि गाँव में जितने भी लोग हैं वो उसमें नहीं होती, इसलिए वो गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जुआन हर तरफ फूल बिखेरने लग जाता है ताकि ब्लेंका को वो पल याद आ सके जो उन्होंने साथ गुजारे थे। जुआन ब्लेंका को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डीमन बन चुका हूँ, इसीलिए हम दोनों राक्षस हैं और भले ही तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी है और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो ब्लेंका भी शांत हो जाती है लेकिन ये सब डार्क जनरल की चाल होती है, इसलिए ब्लेंका को अपने डार्क मैजिक से पकड़ लेता है। ये देखकर वर्टा उसे बचाने आने लगती है लेकिन जनरल उसे भी पकड़ लेता है। फिर वो अपने मंत्र को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो उन तीनों की पावर और धीरे धीरे उनकी सोल उनकी बॉडी से अलग होने लगती है। ये देखकर जुआन वर्टा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसे बताती है कि हमारी सोल शरीर से अलग हो रही है और अगर एक बार ये हमारी बॉडी से अलग हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ नागरानी पहुँच जाती है और वो ब्लेंका के हेयर पिन से जनरल पर अटैक कर देती है और उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लग जाती है, लेकिन जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है इसीलिए उन दोनों में बहुत ही कमाल की इपिक फाइट होने लगती है। ये देखकर ब्लेंका भी अपनी पूंछ की मदद से जनरल के जादुई वेपन को तोड़ देती है जिससे वो आजाद हो जाती है और वो जनरल पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी जनरल अपनी पावर से एक बहुत ही शक्तिशाली ईगल बना लेता है जिससे वो ब्लेंका और नागरानी पर अटैक करके उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर वर्टा भी जनरल पर अटैक करने जाने लगती है तो जुआन उसे हेयरपिन देता है और वर्टा उस हेयरपिन को जनरल की पीठ में घुसा देती है जिससे नागरानी खींच लेती है और जनरल की डेथ हो जाती है। इससे नागरानी बहुत खुश होती है और वो अपने सभी सांपों को गांव पर अटैक करने को कहती है ताकि स्नेक केचर को मार सके। ब्लेंका जनरल से फाइट की वजह से काफी इंजर्ड हो चुकी थी इसलिए वो बेहोश हो जाती है। जुआन गांव वालों को बचाने जाता है और उन सभी स्नेक को गांव में घुसने से रोकने लगता है। वहीं वर्टा नागरानी को हेयरपिन देने जाती है तो नागरानी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दूसरों की शक्तियाँ खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। तो वर्टा उन्हें कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन नागरानी उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मुझे
हेयरपिन की मारा जा चुका है और वो उस हेयरपिन को फेंक देती है और वटा पर अटैक करके उसकी पावर खींचने लग जाती है, क्योंकि नागरानी के अंदर जनरल की पावर होने की वजह से वो भी बुरी बन गई थी और वो वटा की सारी पावर खींच लेती है। इससे ब्लेंका को गुस्सा आ जाता है और वो नागरानी पर अटैक करने लगती है। ये देखकर नागरानी अपने सभी साथियों की पावर को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ब्लेंका और नागरानी में फाइट होने लगती है, लेकिन नागरानी बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए वो ब्लेंका को पकड़ लेती है और उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लग जाती है। ये देखकर जवान जनरल के मंत्र को फिर से चालू कर देता है, जिससे जब नागरानी ब्लेंका को मारने लगती है तो मंत्र की वजह से उसके जादू में कैद हो जाती है और जवान ब्लेंका को बचाकर बाहर लेकर आने लगता है। ब्लेंका ने मेरी सारी पावर छीन ली है, जिससे मैं मामूली इंसान बन गई हूँ। तो जवान उसे कहता है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। फिर वो दोनों बाहर आने लगते हैं। जनरल अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं था, इसलिए उस मंत्र के जादू को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिससे जवान और ब्लेंका बाहर नहीं निकल पाते। मगर तभी जनरल पूरी तरह से मर जाता है, जिससे वो जादू बेकार हो जाता है और उस जगह की सारी चीजें तबाह होने लगती है। तभी जवान देखता है कि वहाँ ऊपर तारों के कॉन्स्टेलेशन बने हुए हैं, इसलिए उनकी मदद से जिससे वो ब्लेंका को तो बाहर निकाल देता है, मगर वो खुद आइस में बदल जाता है। ये देखकर ब्लेंका काफी सैड हो जाती है और तभी जवान की सोल भी बाहर निकलने लगती है, जिससे ब्लेंका को उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो जवान की सोल को अपने हेयरपिन की मदद से बचा लेती है, जिससे वो वापस से व्हाइट स्नेक बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंका ये सब विजन्स में देख रही होती है। वटा ब्लेंका को बताती है कि तुमने जवान की आत्मा को हेयरपिन की मदद से बचा लिया था, जिससे अब उसने पुनर्जन्म ले लिया है। तो ब्लेंका उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, तो वटा उसे कहती है कि जवान ने पूछा है कि वो पहले जैसा जवान ना रहा हो और वो बदल गया हो, लेकिन ब्लेंका उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंका और वटा जवान को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें वो एक ब्रिज पर मिल जाता है हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।